हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र में जो है आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल का हिंदी होता है जंतुओं में परिवहन, जंतुओं में परिवहन। तो यहाँ पर कहता है कि जंतुओं में जो परिवहन होता है यानी कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया, किसी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है, और जो बेकार है फिर उस स्थान से उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, यही ये जो सिस्टम कहलाता है यही कहलाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम या एनिमल में जो होता है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो ब्लड के माध्यम से होता है, यानी कि तीन चीज़ जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है। पहला आपको हार्ट है, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा ब्लड, यानी कि ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये तीन चीज़ का जो है कंबाइंड फॉर्म ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया, किसी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, और वहाँ पर जो वेस्टेस बना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद उसका फिर वहाँ से निष्कासित होकर के वो उसके गंतव्य स्थान से शरीर के बाहर डिस्चार्ज हो जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। तो हम लोग ट्रांसपोर्ट मटेरियल के बारे में भी पढ़े थे, जैसे गैसियस मटेरियल है कुछ, मतलब कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कुछ ऑक्सीजन, कुछ जो है मतलब कि जैसे फूड वगैरह हुआ तो हम लोग जो वेस्टेस बचा जो हम लोग डिफिकेटेड मटेरियल्स के रूप में कहते हैं वो भी शरीर से बाहर निकलता है, स्वेट निकलता है, टीयर निकलता है। तो ये सब जो है एक सिस्टम के तहत जो है चलता है जिसको कि हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर कहता है कि जो हायर सीरीज का एनिमल है, हायर सीरीज का एनिमल मतलब हो गया जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, तो हायर सीरीज के एनिमल में एक विशेष प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल, हार्मोन, एक्सक्रेटरी मटेरियल तथा अन्य मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के फलस्वरूप उत्पन्न डिफरेंट सब्सटेंसेस को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। क्या कहा, हायर सीरीज के एनिमल में जो है एक विशेष प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उस सिस्टम के जरिया जो है मतलब कि रिस्पायरेटरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल हो गया, हार्मोन हो गया, एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस हो गया, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद जो प्रोडक्ट यूजफुल है वो हमारा शरीर ले लेता है, और उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो फिर वो उस सेल से जो है वो डिस्चार्ज होकर के अपने गंतव्य स्थान से उस शरीर के बाहर निकल जाता है। जो पदार्थ निकलता है उसे हम लोग एक्सक्रेटरी मटेरियल कहते हैं, और जो सिस्टम से निकलता है उसे हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं, जो कि इस चैप्टर के आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहा कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो डेवलप है, कहता है इसमें तीन चीज़ पार्टिसिपेट करता है, एक हार्ट, दूसरा ब्लड और तीसरा ब्लड वेसल्स। हार्ट के बारे में कहा जाता है कि हार्ट जो है हमारे शरीर का जो है एक सेंट्रल पंपिंग ऑर्गेन है, हमारे शरीर का एक सेंट्रल पंपिंग ऑर्गेन है, ठीक है। उसके बाद ब्लड जो है, ब्लड एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिया जो है सारा न्यूट्रिएंट्स मटेरियल, गैसियस मटेरियल, यूजफुल मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल, सभी मटेरियल जो है उस ब्लड के माध्यम से बहता है। अब ब्लड जिसमें बहता है उसको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग हिंदी में जो है रक्त वाहिनी बोलते हैं, उसी से जो है ब्लड बहता है। कहता है कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा जो है एक सिस्टम और होता है जिसको कि हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि लिम्फ का फ्लो होता है, है ना। लिम्फ को हिंदी में लसिका बोलते हैं, और वो भी एक सिस्टम के तहत हमारे शरीर में उसी सर्कुलेटरी मीडियम के जरिया जो है बहता है। यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा क्या हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारे बॉडी में होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये ह्यूमन बॉडी में या एनिमल में जो है
होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्लड सर्कुलेटरी सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं रक्त परिवहन तंत्र। सबसे पहले जो है हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड को जो है हिंदी में रक्त कहा जाता है। तो कहता है कि ब्लड जो है ये क्या है, तो कहता है कि ब्लड जो है रेड कलर का एक डेंस का मतलब होता है गाढ़ा, एक डेंस और एल्केलाइन है, क्षारीय है। क्या कहा? ब्लड जो है लाल रंग का गाढ़ा एवं क्षारीय पदार्थ है, एल्केलाइन सब्सटेंस है, जिसका पीएच वैल्यू जो है 7.4 होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ये जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये टॉपिक जो था मतलब कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो मेडिकल का एग्जाम हो, यानी कि जनरल कंपटीशन में जो है ये क्वेश्चन अक्सर बेहतर जो है ये पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है। तो ब्लड का पीएच वैल्यू जो है 7.4 हुआ। जब 7.4 होगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्षारीय होगा, एल्केलाइन होगा, और कैसा होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा। तो 7 के आगे जो होगा वो वीक बेस होगा, है ना। 7 से लेकर के जो है 13 तक जो है, 13 बोलते हैं, 7 से लेकर के 11 तक जो है जो पीएच वैल्यू होगा वो वीक होगा। तो 7 पॉइंट से आगे जाएगा तो जाहिर सी बात वो बेस है, तो कैसा बेस है, तो वीक बेस, यानी कि ब्लड जो है वीक बेस है। अगर मान ले कहीं पर होंठ भी कट जाता है तो हल्का सा अगर ब्लड निकलता है तो वो अगर ज़ुबान पे चला गया तो उसका टेस्ट हम लोग को मिलता है, तो उससे कोई नुकसान जो है हमारे बॉडी को नहीं होता है, यानी कि वो जो है क्षारीय है। तो यहाँ पर कहा कि ब्लड का रंग जो है लाल होता है, ये डेंस होता है यानी कि गाढ़ा होता है, और ये क्षारीय होता है, एल्केलाइन होता है। इसका पीएच वैल्यू जो है 7.4 होता है। कहता है कि ब्लड जो है हार्ट और ब्लड वेसल्स में प्रवाहित होता है। ब्लड जो है हार्ट और ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कि फ्लो करता है। कहता है कि यह अपने फ्लो के दौरान शरीर के सभी ऊतकों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर के एक एक टिश्यू को जो है ये संयोजन करता है, कनेक्ट करता है, इसलिए हम लोग ब्लड को जो है कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड को जो है कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, यानी कि संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का मतलब क्या होगा, एक उत्तक को दूसरे से जोड़ने वाला। तो ब्लड एक ऐसा मीडियम है जिसके फ्लो के जरिए जो है हमारा पूरा टिश्यू जो है बॉडी का एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए हम लोग ब्लड को जो है एक कनेक्टिव टिश्यू के भी नाम से जानते हैं। अब हम लोग जो है ब्लड का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड की संरचना, ब्लड की संरचना। तो कहता है कि ब्लड जो है इसका दो मेन कंपोनेंट्स हैं, ब्लड का दो मेन कंपोनेंट्स हैं, यानी कि देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का जो है दो मेन कंपोनेंट्स है।
जिसको कि हम लोग पहला को कहते हैं प्लाज्मा और दूसरे को कहते हैं सॉलिड कंपोनेंट्स, सॉलिड कंपोनेंट्स, प्लाज्मा और सॉलिड कंपोनेंट्स कहते हैं। प्लाज्मा और सॉलिड कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि ब्लड का जो है जो स्ट्रक्चर हुआ उसमें दो अवयव पाया गया, ठीक है, एक प्लाज्मा कहलाया और दूसरा जो है सॉलिड कंपोनेंट्स कहलाया, ठीक है। प्लाज्मा जो है, अब प्लाज्मा के बारे में जानिए, ये जो प्लाज्मा है इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा, ठीक है, जो कि ब्लड का पहला कंपोनेंट्स है। तो प्लाज्मा के बारे में सुनिए, कहता है कि प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का एक विस्कस फ्लूइड है, यानी कि विस्कस कहने का मतलब हो गया चिपचिपा, यानी कि इसको कहिए प्लाज्मा जो है ये लाइट एलोइस कलर का, लाइट एलोइस कलर का विस्कस फ्लूइड है। प्लाज्मा लाइट एलोइस कलर का विस्कस फ्लूइड है, ठीक है। कहता है कि ये जो है प्लाज्मा जो है ये पूरे ब्लड का, जब उसके वॉल्यूम के हिसाब से निकालेंगे, उसका आयतन जब निकालेंगे, तो कहता है कि पूरे ब्लड का जो प्लाज्मा का जो परसेंटेज है वो आपको 55% है, 55% है पूरे ब्लड का जो है प्लाज्मा का जो अपना पार्टिसिपेशन है वो 55% है, ठीक है। उसके कहता है कि ये जो 55% प्लाज्मा जो है, अब प्लाज्मा में जो है कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है, तो कहता है कि प्लाज्मा में लगभग जो है आपको 90% वाटर पाया जाता है, प्लाज्मा में 90% जो है ना प्लाज्मा में क्या हो गया आपको वाटर हो गया, ठीक है, 90% यानी कि प्लाज्मा में क्या हो गया आपको वाटर हो गया, और 7% जो है ये आपको प्रोटीन हुआ, तो 97% तो ऐसे ही हो गया मोटा मोटी, यानी कि प्लाज्मा का टोटल पार्ट कितना हो गया पूरे ब्लड का 55%, जिसमें कि वाटर जो है 90% और प्रोटीन जो है 7%, इसके अलावा जो है 0.9% जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसको हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ। उसके बाद कहता है कि 0.18% जो है आपको ग्लूकोज है, 0.18% जो है ग्लूकोज हो गया। उसके बाद जो है 0.5% जो है आपको लिपिड हो गया, जिसको कि हम लोग फैट्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर से आप इसको समझिए कि क्या क्या बोला, कहता है कि प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ है, ये पूरे ब्लड का जो है वॉल्यूम के एतबार से 55% है, इसमें 90% वाटर है, 7% जो है आपको प्रोटीन है, 0.9% जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, 0.18% जो है आपको क्या है फैट्स है, लिपिड्स है, तो ये सब जो है तो प्लाज्मा में क्या क्या हो गया आपको क्या क्या बोला गया कि प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव है,
जो कि पूरे ब्लड का 55% है। प्लाज्मा में 90% वाटर मौजूद है, 7% प्रोटीन है और 3% में जो है आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, लिपिड है ना, और जो है और भी जैसे ग्लूकोज, ये सब जो है वो 3% में टोटल आ जाता है। यानी कि मोटा मोटी प्लाज्मा में जो है वाटर हो गया और प्रोटीन हो गया। इसलिए जो है प्लाज्मा को हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा को हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। कहता है कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये 3 प्रकार का होता है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है प्लाज्मा प्रोटीन जो बताया गया कि इसमें 7% जो प्रोटीन है, इसलिए प्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। कहता है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है 3 प्रकार का होता है। प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। पहला आपको 5-रो-नो-जीन, 5-रो-नो-जीन कहलाता है, और दूसरा जो है आपको प्रोथ्रोम्बिन कहलाता है, प्रोथ्रोम्बिन, 5-रो-नो-जीन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा जो है हिपेरिन कहलाता है, तीसरा हिपेरिन कहलाता है। तो प्लाज्मा जो है को हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार का होता है, फाइब्रोनोजीन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। अब कहता है कि ये तीनों क्या क्या करता है, तो इसके बारे में सुनिए। कहता है कि ब्लड को क्लोटिंग में सहायता करता है। हिपेरिन जो होता है ये ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, ठीक है। हिपेरिन क्या कर दिया, ब्लड के क्लोट में मदद कर दिया। अगर ये हिपेरिन कमज़ोर हो गया, अगर कहीं पर कट हो जाएगा तो बॉडी का सारा खून जो है वहीं से बह जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो बहुत खतरनाक है। इसलिए इसका परसेंटेज जो है बना रहना चाहिए। इसलिए हम लोग को जो है भोजन में जो है प्रोटीन का सेवन भी करना चाहिए, चाहे वो दाल के रूप में हो, सोयाबीन के रूप में हो, मिल के रूप में हो, राजमा के रूप में हो, है ना, जैसे भी हो हम लोग को प्रोटीन, मीट हो, मछली हो, अंडा हो, जैसे भी हो हम लोग जो ये सब चीज़ लेंगे तो उसमें हम लोग को प्रोटीन भी मिलेगा। यानी कि प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप्स का होता है और सभी प्रोटीन का हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन है, इसलिए हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए। तो यहाँ पर कहता है कि ब्लड क्लोटिंग में जो है ये मदद करता है हिपेरिन। कहता है कि ब्लड क्लोटिंग की क्रिया में फाइब्रोनोजीन जो है प्लाज्मा से अलग हो जाता है। यहाँ पर गौर करने का बात है कि जब ब्लड क्लोटिंग होता है तो प्लाज्मा से जो है ये जो फाइब्रोनोजीन है ये अलग हो जाता है। फाइब्रोनोजीन क्या होता है, उससे अलग हो जाता है। फिर समझिए कि जब ब्लड क्लोट करता है हिपेरिन के कारण, तो प्लाज्मा से फाइब्रोनोजीन क्या होता है, अलग हो जाता है, यानी कि डिस एसोसिएट हो जाता है, यानी कि वो उससे अलग हो जाता है। और ब्लड का फिर जो पार्ट बचा, यानी कि जो प्लाज्मा का जो पार्ट बच गया, उसी पार्ट को जो रेस्ट बचा हुआ, जो फाइब्रोनोजीन को छोड़कर, इसको छोड़ करके जो पार्ट बचा उसे ही हम लोग सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम, उसे ही हम लोग सीरम कहते हैं। और डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं आप लोग, मतलब कि पैथोलॉजिस्ट लोग के यहाँ ब्लड टेस्ट कराने के लिए, तो आपका जो ब्लड लेता है तो बोलता है कि 24 घंटा के बाद या 48 घंटा के बाद जो रिपोर्ट देगा, तो वही सीरम प्लाज्मा को है, ब्लड के प्लाज्मा को अलग कर देता है और उसका सीरम को अलग कर देता है। तो सीरम वाला पार्ट जो हुआ वो क्या हुआ, प्लाज्मा का ही पार्ट हुआ, लेकिन फाइब्रोनोजीन उससे अलग हो जाता है और वो जो नीचे में जो सॉलिड पार्ट्स बैठा उसे ही हम लोग सीरम कहते हैं। उसी से जो है
बहुत सारा टेस्ट होता है, यानी कि टीसी, डीसी, हीमोग्लोबिन, है ना, आपको जो है कैल्शियम का जांच, बहुत तरह का जांच जो है उसी सीरम से ही किया जाता है। कहता है कि सीरम कहने का मतलब हो गया कि फाइब्रोनोजीन से अलग, फाइब्रोनोजीन से हटे हुए पदार्थ को हम लोग सीरम कहते हैं, यानी कि फाइब्रोनोजीन रहित, फाइब्रोनोजीन लेस प्लाज्मा को हम लोग सीरम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा कि प्लाज्मा जो है ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। प्लाज्मा को हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं, और जो क्लोटिंग में मदद करता है वो जो प्लाज्मा का टाइप था वो था हीपेरिन, है ना, याद रखिएगा, क्या नाम है उसका, हीपेरिन, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ये प्लाज्मा के बारे में पढ़ें। अब हम लोग जो है दूसरा पार्ट था सॉलिड कंपोनेंट्स, सॉलिड कंपोनेंट्स, इसको हम लोग हिंदी में जो है ठोस अवयव बोलते हैं। कहता है कि ब्लड का जो सॉलिड कंपोनेंट्स है इसको तीन पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया? थ्री पार्ट्स में बांटा गया। पहला है आपको आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो पूरा नाम है मतलब सॉलिड कंपोनेंट्स, सॉलिड कंपोनेंट्स जो ब्लड का पार्ट हुआ इसको तीन पार्ट में बांटा गया। पहला था आपको आरबीसी, दूसरा था आपको डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो है आपको प्लेटलेट्स, ठीक है। ये सॉलिड कंपोनेंट्स को जो है तीन पार्ट में बांटा गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब आइए आरबीसी पर। आरबीसी का जो है फुल फॉर्म जो है रेड ब्लड सेल्स होता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, यानी कि इसको हिंदी में कहिएगा तो क्या कहिएगा, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, या रेड ब्लड सेल्स, या रेड ब्लड कॉर्पोसुल्स भी कहते हैं। सेल्स को हम लोग कॉर्पोसुल्स के नाम से भी जानते हैं। कहता है कि ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी क्या है? आरबीसी का जो है एक जूलॉजिकल नेम भी है, जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, यानी कि आरबीसी का जो है दूसरा नाम, जूलॉजिकल नेम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स है, ठीक है। अब कहता है कि आरबीसी के बारे में कहता है कि ये एक विशेष प्रकार का, इसमें जो है एक पिगमेंट पाया जाता है। आरबीसी में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? HAE, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है ये भी एक प्रोटीन है, ये भी क्या है? एक ग्लोबिन वाली प्रोटीन ही होता है। कहता है कि ये एक विशेष प्रकार का जो है एक पिगमेंट आरबीसी में पाया जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड का कलर रेड होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। और ये जितना भी मेमल्स है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या अदर एनिमल हो, जो भी मेमल्स है, मेमल्स कहने का सेंस ये हो गया कि जो अपने बच्चे को प्रोड्यूस करता है और अपने बच्चे को लैक्टेशन कराता है, उसे ही हम लोग जो है मेमल्स कहते हैं। उसको हिंदी में हम लोग स्तनधारी बोलते हैं। तो सभी मेमल्स में जो है ये हीमोग्लोबिन उसके आरबीसी में पाया जाता है, इसलिए उसके ब्लड का कलर जो है रेड होता है, ठीक है। अब क्या यहाँ पर कहता है कि इसका जो है ये करता क्या है? हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के बारे में कहा जाता है ये कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है। हीमोग्लोबिन क्या है? कैरियर ऑफ
ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को ढोने वाला, ऑक्सीजन को ढोने वाला। यहाँ पर कहता है कि ये ऑक्सीजन को कितना कैरियर कर सकता है, तो कहता है कि हीमोग्लोबिन का जो है एक अनुपात, हीमोग्लोबिन का एक अनुपात ऑक्सीजन के चार अनुपात को अपने में कंबाइंड कर लेता है, ठीक है। यानी एक अनुपात हीमोग्लोबिन और चार अनुपात, यानी कि वन मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन का, तो फोर मॉलिक्यूल आपको क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का। और जब ये ऑक्सीजन को अपने में ट्रैप करता है हीमोग्लोबिन, तो एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाता है, जो कि ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन हुआ, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, ठीक है। उसके आगे कहता है कि आरबीसी शरीर में रिस्पिरेटरी गैसेस का जो है ट्रांसपोर्ट भी करता है। आरबीसी क्या करता है, हमारे शरीर में जो है ट्रांसपोर्ट गैसेस क्या हुआ, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो है ये ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। यानी कि ये शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है, और फिर दूसरे भाग तक फिर वो यानी कि रिटर्न भी कर देता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जब ये ब्लड जब है फूड, मतलब कि जैसे ब्लड कैपिलरीज है, तो ब्लड कैपिलरीज के साथ जो है आपका रिस्पिरेटरी गैसेस भी गया साथ में फूड मटेरियल भी गया। जब वो फिर टिश्यू में गया, टिश्यू से जब वो सेल में जाता है, तो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग कहते हैं सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल के अंदर में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो वही लेगा, बाकी को वो छोड़ देगा, इसलिए उसको सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पर कहता है कि जब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ब्लड के साथ यानी हीमोग्लोबिन भी गया था, तो वहाँ पर मेम्ब्रेन क्या करता है हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है, यानी कि डिसएसोसिएट कर देता है उसको। हीमोग्लोबिन जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही रहता है, और ऑक्सीजन जो है वो चला जाता है सेल के अंदर में, ठीक है। ऑक्सीजन सेल के अंदर में गया, और जो फूड मटेरियल अंदर गया वो, यानी कि फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन जो है उस ऑक्सीजन के मदद से हुआ। और फूड का ब्रेकडाउन कौन करा दिया, तो सेल के अंदर में एक पार्ट होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वहाँ पर उसका ब्रेकडाउन होता है, यानी कि रिस्पिरेटरी रिएक्शन होता है, यानी कि फूड यानी कि ग्लूकोज यानी कि C6H12O6+O2 यानी कि एरोबिक रिस्पिरेशन हो गया ये। और जो प्रोडक्ट बनता है वो CO2+H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस इनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस इनर्जी। तो वाटर तो यूरिन और स्वेट के माध्यम से जो है वो हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है ना। और क्या हुआ कि जो रिस्पिरेटरी गैसें जो कार्बन डाइऑक्साइड था, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर हमारे बॉडी से जो है वो रिस्पिरेटरी ऑर्गेन के जरिया जो है बाहर निकल जाता है। हम लोग जानते हैं रिस्पिरेशन चैप्टर में हम लोग पढ़े कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग एटमोसफियर से जो लेते हैं उसका परसेंटेज था 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हम लोग लिए, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ब्रेथ प्रोसेस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 4% हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, 4% हमारे बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ा कहाँ से, लिए थे हम लोग 0.03% और छोड़ रहे हैं 4%। यानी कि जो फूड हम लोग खाए थे जिसका कि ब्रेकडाउन सेल के अंदर में हुआ था, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकला वो ब्रेथ प्रोसेस के जरिया यानी कि एक्सहेलेशन प्रोसेस के जरिया जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और हम लोग ऑक्सीजन जो लिए थे वो 21% लिए थे, लेकिन यहाँ पर कहता है कि सेल जो है हमारा वो 4.5% ऑक्सीजन को ले लेता है ब्रेकडाउन में, तो बच गया कितना 16.5%। तो उस 16.5% को जो है
फिर वह लंग्स के जरिया जो है शरीर से बाहर निकाल देता है। यानी कि ऑक्सीजन हम लोग लिए 21%, छोड़े हम लोग 16.5%, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लिए 0.03% और छोड़े हम लोग 4%। तो इस ढंग से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब जो है हमारे बॉडी से निकल गया और जो सेल में जो एनर्जी पैदा हुआ था वो एनर्जी एटीपी के रूप में जो है हमारे शरीर में स्टोर्ड रहा, ट्रैप रहा और उसी के जरिया जो है हम लोग टाइम टू टाइम जो है अपने डेली लाइफ को कंप्लीट करते हैं। इसको जो है फिर एक बार समझिए कि आरबीसी का पूरा नाम जो है रेड ब्लड सेल्स है या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, इसको हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। आरबीसी में, आरबीसी का पूरा नाम क्या हो गया, रेड ब्लड सेल्स। कहता है कि आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड जो है लाल दिखता है, ठीक है। तो कहता है कि ये जो आरबीसी है इसका आकार जो है बहुत छोटा होता है, आरबीसी का आकार जो है छोटा होता है, यानी कि WBC और आरबीसी का जब आप कंपैरिजन कीजिएगा तो 1/1000 हो जाता है, आकार भी छोटा होता है और संख्या भी जो है, मतलब कि संख्या में क्या होता है कि आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है, यानी कि आरबीसी अगर 1000 होगा तो WBC एक ही होगा, WBC एक होगा और 1000 जो है आपको आरबीसी होगा। आरबीसी का आकार जो है WBC से काफ़ी छोटा होता है और कहता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है, हो सकता है कि न्यूक्लियस हो, ताकि इसका आकार जो है बहुत माइक्रो है और नैनोमीटर में लगभग है, हो सकता है कि अभी का जो माइक्रोस्कोप है वो उसके न्यूक्लियस को डिफाइन नहीं कर पा रहा हो, इसलिए अभी हम लोग इसको कहते हैं कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन हो सकता है सेल है और जब सेल है तो न्यूक्लियस हो सकता है, हो सकता है कि बाद में इससे और वेल डिफाइंड माइक्रोस्कोप अगर आ जाता है तो हो सकता है कि आपको आरबीसी का न्यूक्लियस दिखाई दे दे, लेकिन अभी फिलहाल जो है इसको हम लोग कहते हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी का मेन काम क्या हो गया, ऑक्सीजन कैरियर का काम हो गया, यानी कि ऑक्सीजन को जो है सेल तक पहुँचाना, ऑक्सीजन को सेल तक पहुँचाना। आरबीसी में एक पिगमेंट पाया गया जिसका नाम हीमोग्लोबिन हुआ, हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड का रंग लाल हुआ है ना, और इसका काम क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट मीडियम प्रदान करना। आरबीसी का दूसरा नाम क्या हो गया, एरिथ्रोसाइट्स हो गया, यानी कि आज हम लोग जो है सॉलिड कंपोनेंट्स में आरबीसी के बारे में पढ़े, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।